और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, कोविड काल में 12वीं बोर्ड की परीक्षा पर लगातार माथापच्ची के बाद इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है। छात्रों को बड़ी राहत मिली है, सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें, काफी देर से 12वीं की बोर्ड परीक्षा करवाई जाए नहीं करवाई जाए, आगे के लिए कितने वक्त तक के लिए इसको टाल दिया जाए, क्या इंतजाम किए जाए, इसको लेकर माथापच्ची लगातार जारी थी। और उसके बाद हाई प्रोफाइल मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद, राज्यों के सुझावों के बाद अब इस विकल्प पर विचार किया गया कि सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी जाती है। आपको बता दें, लगातार कई दूसरे राजनीतिक दलों की ओर से, विपक्षियों की ओर से भी इसकी मांग की गई थी, क्योंकि अभी 18 साल से कम उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन की कोई व्यवस्था हो नहीं पाई है, इसके मद्देनजर परीक्षाएं रद्द की जाए। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने खुद ही बड़ी बैठक इस पूरे के पूरे मामले में की, जिसमें हाई प्रोफाइल कई मंत्री, कई बड़े बड़े सीनियर अधिकारी शामिल थे, और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द की जाती है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के मद्देनजर ये बड़ा फैसला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक में शामिल थे और उसमें फैसला लिया गया कि सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द की जाती है, और क्या जानकारी मिली है आपको? देखिए चित्रा, बिल्कुल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस बैठक की अध्यक्षता की और उसमें ये फैसला हुआ कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो है वो इस परीक्षा को रद्द किया जाएगा, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य बहुत बड़ा कंसर्न था, और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में कोरोना के केसेस भारत में बढ़े हैं उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कहा कि हेल्थ सबसे बड़ा जो है वो कंसर्न है सरकार का, और इसीलिए